हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम क्रैकर में। तो आज की इस वीडियो में हम काउंट करना सीखेंगे ट्राइंगल्स को ट्राइंगल के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके दो पार्ट किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये दो पार्ट किए हुए हैं, तो इसमें कितनी ट्राइंगल है इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दो लिख देंगे, फिर इनकी गिनती जो है उसको ऐड कर लेंगे, वन प्लस टू तो ये आ जाएगा थ्री। इसी तरह से यहाँ पर वन टू थ्री लिख देंगे, फिर इन सबको ऐड कर लेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री तो ये आ जाएगा सिक्स। यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब यहाँ से वन से लेकर सिक्स तक को ऐड कर देना है, जो आंसर आ जाएगा वो उतनी ट्राइंगल बन जाएंगी यहाँ पर। तो आ जाएगा छः पाँच ग्यारह चार पंद्रह तीन अठारह बीस और एक इक्कीस। लेकिन अगर ट्राइंगल बहुत ज़्यादा बन जाए, जैसे ये देखिए एक ट्राइंगल ऐसे बन जाए, एक ट्राइंगल ऐसे बन जाए, एक ट्राइंगल ऐसे, मान लीजिए यहाँ पर पचास ट्राइंगल बन जाए एक लाइन में, तब हमारा आंसर कितना आएगा, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। यहाँ पर हम काउंटिंग लिखते चलेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लास्ट तक 50 जो भी आएगा, जितनी भी आएगी, तो लास्ट नंबर और उसमें एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर 50 है तो 50 में एक ऐड कर दिया, 51 हो गया और दो से डिवाइड कर देना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दो से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, फिर 25 से 51 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1275 ट्राइंगल्स। तो ये फॉर्मूला देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, n इंटू एन प्लस वन ओवर टू। मतलब क्या है, आप यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे और जो नंबर लास्ट आएगा उसमें एक ऐड कर लेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके दो से डिवाइड कर देंगे, तो उतनी ट्राइंगल्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे इसके पार्टीशन कर बनेंगे दो एक लाइन से, तब कितनी ट्राइंगल बनेंगी, तब हम ऐसा ही करेंगे जितनी ट्राइंगल पिछली बार बनी थी, जितनी लाइन से इसको डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पर दो हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्स आ जाएगा। यहाँ पर पिछली बार छः ट्राइंगल बनी थी, अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं एक लाइन से, तब पिछली बार छः ट्राइंगल बनी थी, अब की बार छः गुणा दो, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो ये बन जाएगा 12। इसी तरह से अगर यहाँ पर 50 ट्राइंगल हैं, हमारे पास आया था ये, हमने दो लाइन बना दी एक और लाइन से, तब हम दो से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 2550। लेकिन अगर हम एक लाइन और लगा दें ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, तब हम दो के बजाय तीन से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, जब तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ ट्राइंगल बनेंगी 9, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल बन जाएंगी 18 और यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल बन जाएंगी 3825। मतलब क्या हुआ, जितनी लाइंस यहाँ पर लगती हैं उस लाइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक लाइन दो लाइन और तीन लाइन, तो तीन से मल्टीप्लाई किया। अगर चार लाइन होती, जैसे यहाँ पर एक लाइन और होती तो हमने चार से गुणा कर देना था, इसी तरह यहाँ पर चार लाइन होती तो हमने यहाँ पर चार से गुणा कर देना था और उतनी ही ट्राइंगल बननी थी। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल को डाला हो तो लेंगे कितनी ट्राइंगल बनेंगी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितनी ट्राइंगल है अंदर, जैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल है, तब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 4n+1, जितनी ट्राइंगल अंदर हैं वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल है तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 4 × 1+1, मतलब यहाँ पर ट्राइंगल हो जाएंगी 5। देखिए 1, 2, 3 ये चौथी और ये सबसे बड़ी पांचवी ट्राइंगल है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल है एक, ये दो, दो ट्राइंगल अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो 4 × 2+1 चार गुणा दो 8 + 1 9 ट्राइंगल आएंगे। कैसे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अंदर वाली 7 और ये
आठ और ये सबसे बड़ी नौ। इसी तरह से जितनी ट्राइंगल अंदर बड़ी ट्राइंगल के अंदर बनेंगी उसको हम चार से गुणा करके प्लस एक कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं, सबसे एक ट्राइंगल, फिर ये दूसरी ट्राइंगल और ये तीसरी ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल हैं अंदर। तो हम क्या करेंगे, फोर इंटू थ्री प्लस वन और ये बन जाएगा थर्टीन। अगर हम काउंट करना चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं, एक दो तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये दस। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अब ये ग्यारह, ये बारह और सबसे बड़ी तेरह नंबर। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इस ट्राइंगल में जैसे यहाँ पर इसके दो पार्ट कर दें, जैसे यहाँ पर है इसके अगर हम दो पार्ट कर दें तो ट्राइंगल बढ़ जाएंगी। कैसे, यहाँ पर एक ट्राइंगल ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक तो ये है, तो कितने ट्राइंगल बढ़ेंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी ट्राइंगल अंदर इंसर्ट की हुई हैं, यहाँ पर वन है तो हम क्या करेंगे, फोर इंटू वन प्लस वन वाला फॉर्मूला। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर ये नहीं होती है तब ये ऐसा फिगर बनेगा, मतलब ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन नहीं होती है तब ट्राइंगल कितनी बनेंगी, पाँच। कैसे, एक दो तीन, ये चार और सबसे बड़ी पाँच। लेकिन जब इसकी इसको डिवाइड कर दिया हो लाइन से तब दो ट्राइंगल ये बनेंगी, दो यहाँ बनेंगी, दो यहाँ बनेंगी, मतलब दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, तो कुल कितनी हो गई, छः, छः प्लस पाँच ये है, तब बन जाएगी इलेवन। तो फॉर्मूला क्या आया, अब तो देखिए इस ट्राइंगल में कितनी ट्राइंगल बनेंगी, अगर ये नहीं है तब हमारे पास फाइव थी, अब एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब जब हम किसी ट्राइंगल को डिवाइड करते हैं एक लाइन से तो दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल बनती है, एक तो हम इंक्लूड कर चुके हैं तो दो और बचेंगी, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, छः और पाँच ये पहले से बनी हुई है, ग्यारह। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कितनी ट्राइंगल होंगी टोटल, एक दो, दो है तो चार गुणा दो जमा एक, तो ये बन जाएंगी टोटल ट्राइंगल नौ। अब ये ट्राइंगल यहाँ से नहीं आई है तो दो यहाँ से बनेंगी, दो यहाँ से बनेंगी, दो यहाँ से बनेंगी, मतलब छः और, नौ और छः, तो टोटल हो गई फिफ्टीन ट्राइंगल। अगर इसी तरह से इस ट्राइंगल में एक और ट्राइंगल इंट्रोड्यूस हुई हो तब कितनी बनेंगी, देखिए यहाँ से तब एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल अंदर इंट्रोड्यूस है, तो ये फोर इंटू एन, तीसरी ट्राइंगल प्लस वन, थर्टीन ट्राइंगल बननी थी, और दो ये, दो ये, दो ये कौन कौन सी है, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इसी तरह से एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, यहाँ से एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, तो छः बन रही है, तो तेरह जमा छः और ये बन जाएंगी नाइनटीन ट्राइंगल। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फ्रेंड्स हमें इस ट्राइंगल के अंदर कितनी ट्राइंगल हैं ये काउंट करनी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये इस ट्राइंगल को, बीच वाली ट्राइंगल को बीच में से नहीं काटा गया है, मतलब ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से दिखे, एक दो तीन, एक दो तीन, तो एक दो तीन, इसके लिए हमने क्या किया था, कौन सा फॉर्मूला, वन प्लस टू प्लस थ्री, मतलब जितनी ये इसके ट्राइंगल बन रही हैं छोटी छोटी ट्राइंगल उनको ऐड कर देना है, वन टू थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा सिक्स। अब हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल को देखिए, इसकी ट्राइंगल को काउंट कर लेना है, एक दो और तीन, तो तीन ऐड कर दिए तो हमारे पास इसमें नाइन ट्राइंगल बन जाएंगे। तो इसकी ट्राइंगल कितनी बनेगी, देखिए एक, ये दो, ये तीन, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चार, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पाँच, छः, सात, आठ और एक सबसे बड़ी ट्राइंगल नौ। मान लीजिए अब इन तीनों ट्राइंगल को, जो ये ट्राइंगल थी, इन तीनों को इसी तरह से इन्होंने फिर तीन ट्राइंगल में डिस्ट्रीब्यूट किया हो तब क्या करेंगे, देखिए इस ट्राइंगल का एक, इसका भी दो और इसका तीन, तीन पार्ट कर दिए हैं, तब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल से हमारे पास वही फॉर्मूला, एक दो तीन, तीन को ऐड किया बन गए छः, तो इसमें से एक दो तीन, इस एक ट्राइंगल के तीन पीस कर दिए तो प्लस तीन,
इस दूसरे नंबर के ट्राइंगल के तीन पीस कर दिए प्लस तीन, इस तीसरे नंबर के ट्राइंगल के तीन पीस कर दिए, तीन ट्राइंगल इसमें से बन गई, तो तीन छः नौ आ गई और टोटल हमारे पास हो गई 15 ट्राइंगल। फ्रेंड सपोज कर लीजिए अब इस ट्राइंगल को इन्होंने ऐसे एक लाइन से काट के और ट्राइंगल बना दिए हों, तब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ऊपर ऊपर वाली ट्राइंगल हमारी कैसी बन रही है ऐसे, अगर इस ट्राइंगल को यहाँ पर हमारे पास एक दो तीन चार ट्राइंगल है तो हम कैसे करते हैं, एक दो तीन चार, चार प्लस तीन प्लस दो प्लस एक, तो ये आ जाएंगी चार तीन सात, दो नौ और एक दस, दस ट्राइंगल इसमें ऐड हो जाएंगी। तो पहले कितनी थी यहाँ पर, नौ ट्राइंगल इस केस में, नौ में दस और ऐड हो गए 19। सिमिलरली अगर यहाँ पर एक लाइन ऐसे लगा दी जाए, फिर पूछा जाए हमसे कितने ट्राइंगल हैं, तो हमारे पास पहले से ही 15 है और अब कितनी हो जाएंगी, एक दो तीन चार पाँच छः, तो हम और ऐड कर लेंगे कैसे, 6 × 7/2, तो ये बन जाएंगी 21। तो 21 ट्राइंगल हम ऐड करके हमारे पास टोटल बन जाएंगी यहाँ पर 36 ट्राइंगल। सपोज के लिए एक लाइन यहाँ से मार दी जाए और एक लाइन यहाँ से ऐसे लगा दी जाए, तब कितने ट्राइंगल होंगी, हमने ऐड की हुई हैं एक्स्ट्रा 10 ट्राइंगल, तो 10 को लाइन दो लग गई तो दो से गुणा किया 20 हो गए, तो 9 में 20 ऐड कर लिए हमारे पास टोटल हो जाएंगी 29। इसी तरह से यहाँ पर हमने ट्राइंगल ऐड की है 21, 21 को दो से गुणा करेंगे 42 ट्राइंगल्स, तो 42 हमने 15 में ऐड कर देनी है, हमारे पास बन जाएंगी 57 ट्राइंगल्स। पोज कर लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें इस फिगर में कितने ट्राइंगल है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक दो तीन चार, इस साइड के चार पार्ट किए हुए हैं, यहाँ पर इस साइड के एक दो तीन चार, इस साइड के एक दो तीन चार, मतलब हर साइड को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसके बाद उनको मिलाया गया है, तब उसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा टेबल है, 1, 1, 2, 5, 3, 13, 4, 27, 5, 48, 6, 78 और 7 के लिए 118 है। मतलब अगर यहाँ पर ये बेस अगर एक हो तो एक ट्राइंगल बनेगी, अगर दो हो जाएं तो पांच बनेंगी, अगर तीन हो जाएं तो 13 ट्राइंगल बनेंगी, अगर चार हो जाएं तो बनेंगी 27। तो यहाँ पर इस फिगर में टोटल 27 ट्राइंगल्स होंगे। यहाँ पर देखते हैं कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः, अगर ये सभी साइड छः पार्ट्स में डिवाइड की गई हों तब इसके ये टेबल जो है वो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दैट बिग ट्राइंगल, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, इसका मतलब है छः के लिए हमारे पास 78, तो अब इसके पास 78 ट्राइंगल्स है। तो फ्रेंड ये टेबल तभी करेगा जब इसके पास हर साइड में नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स होंगे, जैसे यहाँ पर चार हैं तो यहाँ पर भी चार होंगे, यहाँ पर भी चार, यहाँ पर छः हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर भी है एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर भी एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब है ये टेबल से हम एकदम से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक के लिए एक, दो के लिए पाँच, तीन के लिए 13, चार के लिए 27, पाँच के लिए 48, छः के लिए 78 और सात के लिए 118। अगर हमें इस स्टार में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और जितने आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 ट्राइंगल होंगे। कैसे, देखिए इस पॉइंट से एक ट्राइंगल ये छोटी बनेगी और फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे दूसरी ट्राइंगल, अब इस पॉइंट से एक ये बनेगी और एक यहाँ से लेकर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे, इसी तरह से इस ट्राइंगल से एक ये बनेगी और एक ऐसे बनेगी, यहाँ से एक ये छोटी सी बनेगी और एक यहाँ से लेकर ऐसे बनेगी, इस ट्राइंगल इस पॉइंट से एक ये बनेगी और एक यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, इसी तरह से पांच और बन जाएंगे। यहाँ पर इस फिगर में ट्राइंगल कैलकुलेट करनी हो तो कितनी, देखिए एक ये है ऐसे,
ये दूसरी है, ये तीसरी बनेगी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, और ये सबसे बड़ी सातवीं, और ये दूसरे नंबर की आठवीं। तो ये बनेगी आठ ट्राइंगल, छः यहाँ से काउंटिंग करके और प्लस दो जितने ये स्टार बन रहे हैं, तो ये बन जाएंगे आठ ट्राइंगल। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जब एक ट्रायंगल के अंदर कुछ ट्रायंगल को इंसर्ट किया जाता है और वो ट्रायंगल्स हमें काउंट करनी होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।